वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो रिलायंस पावर स्टॉक में आज फिर से गिरावट देखने को मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे सेक्टर्स नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो रिसेंटली रिलायंस पावर स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट लग चुका है, जैसे कि सभी जन जानते हैं कि कोविड फैलने की न्यूज सामने आते ही आ चुकी है और उसी की वजह से काफी सारे स्टॉक्स में सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है। तो रिसेंटली यहाँ पे देख सकते कि फिर से रिलायंस पावर स्टॉक के अंदर गिरावट का माहौल बन चुका है और फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। एक नज़र यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन सारे स्टॉक्स के ऊपर नज़र डालोगे तो देख सकते काफ़ी बेरिश मोमेंटम देखने को मिले सभी स्टॉक्स में। मार्केट देखोगे तो निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट हो चुकी है। फिर यहाँ पे आप देख सकते कि सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, सभी में बहुत सी गिरावट देखने को मिली है। उसी के चलते बहुत सारे स्टॉक्स में यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक के अंदर देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पे कोई खास मोमेंटम यहाँ पे रिसेंटली नहीं देखने को मिलेगी सेलिंग प्रेशर की वजह से। तो वॉल्यूम देख सकते हैं 2 करोड़ के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हो चुका है आज के दिन में। स्टॉक के अंदर ट्रेडेड वॉल्यूम 2 करोड़ के ऊपर जनरेट हो चुका है और ट्रेडेड वैल्यू 3107 लाख का है। बाइंग के लिए एक भी क्वांटिटी नहीं है, पर सेलिंग के लिए 69 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन देखे जाए तो 1 करोड़ 79 लाख में से तकरीबन यहाँ पे 96 लाख क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके, कुल मिला के 53%। तो चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे, देख सकते कि चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो लास्ट यहाँ पे कल की गिरावट को कंटिन्यूस आज गिरावट देखने को मिले। दोनों गिरावट यहाँ पे कोविड के न्यूज आते ही यहाँ पे देखने को मिले थे, पर यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन ये जो ब्लू कलर की लाइन है 200 मूविंग एवरेज, उसी को भी ब्रेकआउट दिया है रिलायंस पावर ने, तो नीचे जाने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं।